नमस्कार दोस्तों, पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। पीएसपी एकेडमी जो कि अपने रिजल्ट्स के लिए पैन इंडिया में जानी जाती है, आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश श्रीवास्तव, कस्टम ब्रोकर, ट्रेनर, एजुकेशनिस्ट, एकेडमिशियन, कंसल्टेंट। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने उन सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके सफलता प्राप्त की। ये जो पेपर था जी कार्ड का, ये इस पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड एफ कार्ड एग्जाम के जैसा था। तो ये जो वीडियो है, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो एस्पिरेंट्स एफ कार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी जरूर देखना चाहिए और लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि उसमें इसमें उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो उनको भी आ सकते हैं। हमेशा की तरह जी कार्ड एग्जाम में भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। 50 स्टूडेंट्स का बैच था, 22 स्टूडेंट्स हमारे पास हुए। उधर दादरी का एग्जाम अभी जो हुआ लास्ट मंथ, उस दादरी वाले एग्जाम में भी आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स पास हुए। तो जो भी स्टूडेंट्स पास हुए उनको बहुत बहुत बधाइयां, और जो किसी कारणवश रुक गए उनको ये सलाह है कि और अच्छे से, थोड़ा ज्यादा डेडिकेशन के साथ, थोड़ी ज्यादा मेहनत करके आप तैयारी करेंगे तो आप भी सफल जरूर हो। दोस्तों, ट्रेंड्स जो हैं एग्जाम के वो चेंज होते रहते हैं, और आपको सफल वही व्यक्ति बना सकता है जिसको पुराने ट्रेंड्स और फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में थोड़ी समझ। हम अपने करिकुलम में उस एग्जाम ट्रेंड के बेसिस पे चेंज करते रहे हैं और चेंज करते रहते हैं, इसीलिए हम एक अच्छा रिजल्ट दे पाने में सक्षम होते हैं। जहां दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं, 145 बच्चे, उनमें से 12 पास, 15 पास, 50 बच्चे 2 पास, 5 पास, वहां 50 बच्चों में 22 बच्चे पास होना बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि आपको इधर उधर दिमाग लगाने से ज्यादा हमारा जो कोर्स करिकुलम है, हम जो पढ़ाते हैं उस पे अगर आप फोकस करके पढ़ लें तो 100% आप पास हो जाएंगे, गारंटी है, क्योंकि वो डिजाइन किया हुआ है उस तरीके से कम 95% क्वेश्चंस आपके उस नोट्स से आए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की इन पर्टिकुलर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, 100 क्वेश्चंस हैं, विदाउट माइनस मार्किंग है, बट इसके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि कुछ क्वेश्चंस अपने आप में एम्बिगुअस, क्लियर नहीं है। दूसरा, कुछ क्वेश्चंस जी कार्ड के एग्जाम के क्राइटेरिया के बेसिस पे आउट ऑफ सिलेबस टाइप के हैं। जो चीजें एज ए जी कार्ड आपको नहीं पता होनी चाहिए, मतलब आपको पता है अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट एसेंशियल दैट यू शुड नो ऑल दोज थिंग्स, बट स्टिल दे हैव आस्क्ड सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जी कार्ड्स एस्पिरेंट्स।
एंड दैट वाज नेवर एक्सपेक्टेड, सो नॉट एन इश्यू. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन सजेस्ट एन एक्सपोर्टर हु हैज ऑलरेडी फाइल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम अंडर ऑल इंडस्ट्री रेट कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ डैश 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 इफ ए आई आर इज डिक्लेयर्ड एज 90% ऑफ ड्यूटी पेड. देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए. अगर आप क्वेश्चन को समझने में नाकाम होते हैं, आप अगर क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं, आप करेक्ट आंसर कभी नहीं दे सकते. अब यहाँ क्वेश्चन को समझने से लेके मेरा आशय जो है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, फिर से पढ़ते हैं. एन एक्सपोर्टर हु हैज ऑलरेडी फाइल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम, ऑलरेडी ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम फाइल कर चुका है. इसका मतलब ये है कि एआईआर में, ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक में उसका आइटम फॉल कर रहा है, तभी वो क्लेम करेगा ड्यूटी ड्रॉबैक. और कहता है ऑल इंडस्ट्री रेट कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ इफ एआईआर इज डिक्लेयर्ड एट 90% ऑफ ड्यूटी पेड. देखिए, एआईआर से रिलेटेड, एआईआर तो एक डिक्लेयर्ड होता है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है. उसके बाद अगर एआईआर में आपका आइटम फॉल नहीं करता है, तब आप ब्रांड रेट अप्लाई करते हो. और अगर एआईआर में आपका आइटम फॉल करता है बट आपको ड्रॉबैक आपकी कैलकुलेशन से कम मिलता है, और कम कितना मिलता है, लेस देन 80%, तब आप स्पेशल ब्रांड रेट के लिए क्लेम फाइल कर सकते हो विद इन 3 मंथ्स. यहाँ कहता है AIR is declared at 90% of duty paid. जब 90% आपको AIR मिल रहा है, आप स्पेशल ब्रांड रेट क्लेम नहीं कर सकते. और ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ड्यूटी ड्रॉबैक है जिसके लिए वो क्लेम फाइल नहीं कर सकता. ब्रांड रेट के लिए वो क्लेम फाइल नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी उसका ऑलरेडी जो है उसका ब्रांड रेट, अच्छा, ब्रांड रेट कब फाइल होता है? ब्रांड रेट तब फाइल होता है जब एआईआर में आपका आइटम लिस्टेड ना हो. अब ऑलरेडी आपका जब आइटम लिस्टेड है तो वो ब्रांड रेट तो फाइल कर ही नहीं सकता. और जब 90% ड्यूटी के बराबर उसको AIR मिल रहा है, तो वो स्पेशल ब्रांड रेट भी क्लेम नहीं कर सकता. इसका मतलब बोथ ए एंड बी अबव कैन नॉट बी फाइल्ड. अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए. एन एक्सपोर्टर हु हैज ऑलरेडी फाइल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम अंडर ऑल इंडस्ट्री रेट, ऑल इंडस्ट्री रेट में जब वो ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम फाइल कर चुका है, तो ब्रांड रेट तो वो पहले ही फाइल नहीं कर सकता. देन 90% से 90% उसको AIR मिल रहा है, तो वो स्पेशल ब्रांड रेट भी फाइल नहीं कर सकता. इसका मतलब आंसर क्या हुआ? बोथ ए एंड बी अबव. योर आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी अबव. आगे बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, एन एडवांस रूलिंग कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द अथॉरिटी इफ इट हैज बीन ऑब्टेंड बाय एन एप्लीकेशन एप्लीकेंट एपीलेंट बाय. देखिए, एडवांस रूलिंग जो है, अगर फ्रॉड सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स से अगर फाइल की जाए, फ्रॉडुलेंटली अगर आपने AIR इशू करवाई है, एडवांस रूलिंग आपने इशू करवाई है, सॉरी, उस केस में आपकी एडवांस रूलिंग वॉइड एब इनिशियो हो जाती है, शुरुआत से ही वो वॉइड हो जाती है. अब आपका जो सेक्शन कहता है, और कहता है फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, बट ये जो तीन चीजें इसमें दी हुई हैं, फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, ये तीनों चीजें एक ही तरह के फ्रॉड को दर्शाती है. तो इसका आंसर जो होगा
होगा एनी वन ऑफ द अबव, कोई एक भी अगर उसने गलती की है, फ्रॉड किया है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया है, तब उसका एडवांस रूलिंग जो है एब इनिशियो वॉइड हो जाएगा, उसका इशू करवाना बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। अंडर जीएसटी एक्ट द टर्म यूआईएन स्टैंड्स फॉर, जीएसटी एक्ट में यूआईएन का मतलब क्या है? यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूटिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूनिक इंडिविजुअल नंबर। देखिए यूआईएन का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, योर करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर द कमिश्नर अपील्स द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड द कस्टम्स एक्ट 1962 इज। जब आप अपील फाइल करते हो कमिश्नर अपील के यहां, तो प्री डिपॉजिट जो है कितना आपको डिपॉजिट करने की जरूरत है? फर्स्ट ऑप्शन इज 5% ऑफ द डिमांड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 5 करोड़। बी कहता है 5% ऑफ डिमांड सब्जेक्ट टू ए मिनिमम मैक्सिमम ऑफ रुपीज 7.5 करोड़। सी कहता है 7.5% ऑफ द डिमांड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 7.5 करोड़। डी कहता है 7.5% ऑफ द डिमांड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 10 करोड़। कस्टम्स एक्ट का सेक्शन 129E जो कहता है, वो कहता है कि कमिश्नर अपील के यहां अगर आप अपील फाइल करते हो तो जो डिमांड है उसका 7.5% 7.5% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये तो कहता है कस्टम एक्ट, बट बोर्ड ने उसके ऊपर एक अपर लिमिट फिक्स की हुई है 10 करोड़ रुपीस की। तो यहां ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 7.5% तो आपका कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है, वहां तक तो ये रिलीवेंट है, आपके जी कार्ड के लिए पता होना चाहिए। बट जहां सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ रुपीज 10 करोड़ है, अब 10 करोड़ रुपीज मैक्सिमम लिमिट जो फिक्स हुई है वो बाद में हुई है, नोटिफिकेशन के थ्रू हुई है, ये यहां नहीं पूछा जाना चाहिए था एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। जी कार्ड वालों से नहीं पूछ सकते, एफ कार्ड वालों से चलो एक बार पूछ भी सकते हो, बट स्टिल योर आंसर इज डी 7.5% ऑफ द डिमांड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ रुपीज 10 करोड़ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वेयर ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेज अब्रॉड फॉर 36 मंथ्स एंड रिटर्न्स टू इंडिया फॉर ट्रांसफरिंग रेजिडेंस टू इंडिया, द फ्री अलाउंस फॉर यूज्ड हाउसहोल्ड आर्टिकल्स बैगेजेस। कोई व्यक्ति अपना ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस करता है, अब फ्री अलाउंस हाउसहोल्ड आर्टिकल्स बैगेज के लिए कितना है उसके लिए हाईएस्ट, अब 36 मंथ्स की बात कर रहा है, मतलब फुल टीआर उसको फैसिलिटी मिलेगी और फुल टीआर फैसिलिटी में जो मैक्सिमम लिमिट है वो है ₹5 लाख। यहां जो ₹5 लाख है ये आपका करेक्ट आंसर है, सी इज योर करेक्ट आंसर। ए ₹1 लाख है, बी ₹3 लाख है, सी ₹5 लाख है एंड डी नन ऑफ द अबव, सो योर करेक्ट आंसर इज सी ₹5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एंटी डंपिंग ड्यूटी पेएबल बाय एसईजेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंपोर्ट इज। देखिए एसईजेड्स हैं, ईओयूज हैं, इन पे कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती और तब तक नहीं लगती जब तक कि उस नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली ये मेंशन ना हो कि ये नोटिफिकेशन एसईजेड्स और ईओयू पर भी एप्लीकेबल होगा। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी एसईजेड्स पे निल रेट से लगती है, जीरो रेट से लगती है। योर ऑप्शंस आर निल 5% ऑफ कस्टम ड्यूटी 7.5% ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड डी 10% ऑफ कस्टम ड्यूटी। योर करेक्ट आंसर इज ए निल। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टैक्सेस हैज बीन सबस्यूम्ड इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी विद सम एक्सेप्शंस
अब यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो जी कार्ड के लेवल का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सबस्यूम्ड मतलब उसके एम्बिट में चला गया, उसको निगल लिया किसने, जीएसटी ने किन किन एक्ट्स को निगल लिया, कौन कौन से एक्ट उसके दायरे में आ गए जीएसटी के। तो देखिए, सर्विस टैक्स और सीबीडी ऑन इंपोर्ट, सर्विस टैक्स इंपोर्ट पे कभी लगता नहीं था, सीबीडी ऑन इंपोर्ट, और एक कहता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये जो सीबीडी है, जो तीन का एक में लगती है कस्टम टैरिफ एक्ट के, इक्विवेलेंट टू सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वो अभी भी लगती है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी विद सर्टेन एक्सेप्शंस। यहाँ जो आंसर निकलेगा वो इस स्टेटमेंट से निकलेगा कि जीएसटी विद सम एक्सेप्शंस, सर्टेन एक्सेप्शंस के साथ तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो सेक्शन तीन के एक में लगती है वो अभी भी लगती है, उसी को हम सीबीडी कहते हैं। बट बेसिकली सीबीडी जो होती है वो होती है सेक्शन 9 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, इसलिए सीबीडी ऑन इंपोर्ट ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, सर्विस टैक्स इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं हो सकता कि सर्विस टैक्स ना कभी लगता था और ना कभी लगता है। एट देखिए, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय, कौन चेयर करता है, आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन जी ऑनेबल फाइनेंस मिनिस्टर, आप टीवी देखते होंगे तो आपको पता होगा जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई उसकी, उसमें निर्मला सीतारमन जी जो है वो डिस्कशन करते हुए दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर, ए है प्राइम मिनिस्टर, बी है होम मिनिस्टर, सी है प्रेसिडेंट, डी है फाइनेंस मिनिस्टर। सो योर करेक्ट आंसर इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर टैक्स अंडर जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी में किन आइटम्स पे इंडिया में टैक्स लगता है। अब देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखे हुए, सीएनजी, सीएनजी जो है चैप्टर 24 का ही आइटम है, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये जो है कंप्रेस नेचुरल गैस जो है उस पे आपका एक्साइज लगता है, भी लिकर पे भी एक्साइज लगता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी लगता है, बट गोल्ड ज्वेलरी जो है आज की डेट में गोल्ड ज्वेलरी पे जीएसटी एप्लीकेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, आपका गोल्ड ज्वेलरी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम्स अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें 00 ड्यूटी हो जाती है, जिसमें ड्यूटी नहीं देनी होती है आपको, इनिशियली ड्यूटी ही नहीं देनी होती है, एडवांस ऑथराइजेशन में आपको ड्यूटी नहीं देनी होती है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम DFIA में आपको क्रेडिट स्क्रिप मिलती है, MEIS में मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में आपको क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में आपको क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती है। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, ओनली ए। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, द प्लेस विच इज यूज्ड फॉर अनलोडिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड लोडिंग ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स इज कॉल्ड, वो जगह जहां अनलोडिंग होती है इंपोर्टेड गुड्स की और एक्सपोर्ट गुड्स की लोडिंग होती है, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को कहते हैं कस्टम एरिया। कस्टम एरिया के डेफिनेशन में दैट इज, दिस इज एम्पली क्लियर के वो स्थान जहां से आपका लोडिंग और अनलोडिंग होगी बिफोर क्लियरेंस, वो उसको हम कहते हैं कस्टम एरिया। सो योर करेक्ट आंसर इज डी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स गुड गुड्स इज
आर कवर्ड अंडर जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए लगाया गया था। अब देखिए जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है उसका नोटिफिकेशन है 1/2017 और उसमें 55 आइटम्स कवर्ड है। 56 जो सीरियल नंबर है वो कहता है एक्सेप्ट अबव गुड्स, तो एक्सेप्ट अबव गुड्स जो है उस पे 00 लगता है। अदरवाइज 55 जो आइटम्स हैं आपके उन सब पे जीएसटी कंपनसेशन सेस एप्लीकेबल होता है। आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ के जाइएगा जब भी आप एग्जाम देने जाएं, कौन सा जीएसटी कंपनसेशन सेस वाला। अब इसमें जो आइटम्स हैं, पान मसाला जीएसटी कंपनसेशन सेस इस पे लगता है, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे भी जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, मोटर व्हीकल्स एक मेजर आइटम है जिसपे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, एंड डी ऑल ऑफ द अबव ये सभी, तो इन सभी आइटम्स पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स टैक्सेबल इवेंट अकर्स व्हेन। देखिए जब माल का इंपोर्ट होता है तब टैक्सेबल घटना, कर योग्य घटना कब मानी जाती है, मतलब कब ये मान लिया जाता है कि माल आपका इंपोर्ट हो गया और उस पर ड्यूटी आपकी देनी पड़ेगी। ये कहता है ऑप्शन ए गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर, जब माल टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करता है। बी कहता है गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर, जब माल कस्टम बैरियर को क्रॉस करता है। सी कहता है गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड बाय द सप्लायर, जब माल सप्लायर ने डिस्पैच कर दिया तब। एंड डी कहता है गुड्स बिकम द पार्ट ऑफ लैंड मास ऑफ इंडिया, जब माल लैंड मास ऑफ इंडिया मतलब आपकी भारतीय माल बन जाता है। देखिए इंपोर्टेड माल इंपोर्टेड तब तक रहता है जब तक उसका क्लियरेंस नहीं हुआ, तो लैंड मास ऑफ इंडिया जब भारत का माल वो बन जाता है तब, तो भारत का माल तो तब बनता है जब आपकी ड्यूटी का पेमेंट हो चुका होता है, कस्टम क्लियरेंस हो चुका होता है। तो डी जो ऑप्शन है उसको तो हम रूल आउट कर दें। अब बचे तीन ऑप्शन, इसमें एक्सपोर्ट के केस में माल तब एक्सपोर्ट माना जाता है जब वो टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लेता है, इंपोर्ट के केस में जब कस्टम बैरियर को पार करता है तब उस माल को टैक्सेबल इवेंट, उस माल के कस्टम बैरियर को पास करने को हम क्या मानते हैं, टैक्सेबल इवेंट। तो इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल बाय मेसर्स जुपिटर लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जुपिटर लिमिटेड की कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन करना है आपको। इंपोर्टेड मशीनरी वर्थ रुपीज 5 लाख, मशीन की वैल्यू 5 लाख रुपए है, फ्रॉम जापान, जापान से आई है, कब आई है, 11 मार्च 2021 को, 11th March 2021, एंड कस्टम ड्यूटी रेट ऑन दैट डेट वाज 10%। इंपोर्ट हुआ 11 मार्च 2021 को, कस्टम ड्यूटी उस डेट को जो थी वो 10% थी। और आगे कहता है गुड्स अराइव्ड एट इंडियन कस्टम एयरपोर्ट ऑन 22nd मार्च 2021, कब आया माल कस्टम एयरपोर्ट पे, माल पहुंचा आपका 22 मार्च को, एंड कस्टम ड्यूटी रेट चेंज टू 12.5%, जिस दिन माल आया उस दिन पे कस्टम ड्यूटी की रेट जो थी 12.5% थी।
बिल ऑफ एंट्री वाज प्रेजेंटेड बाय मेसर्स जुपिटर लिमिटेड ऑन 20th मार्च 2021। बिल ऑफ एंट्री कब प्रेजेंट हुई? 20 मार्च 2021 को। एंड कस्टम ड्यूटी रेट ऑन दैट डेट वाज 15%। कस्टम ड्यूटी की रेट 15% थी। देखिए तीन इसमें इवेंट्स दिखा रहा है, तीन इवेंट्स की बात कर रहा है। 11 मार्च को इंपोर्ट हुआ, इररिलेवेंट है। अब बचते हैं दो इवेंट्स, पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल करना, दूसरा अराइवल ऑफ द गुड्स। दोनों में से जो बाद में होता है, जो इवेंट लेटर होती है, उसके बेसिस पे रेट ऑफ ड्यूटी लगती है एज पर सेक्शन 15, सेक्शन 15 के अनुसार। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई या जिस दिन इनवार डेट फाइल हुई, जिस दिन इनवार डेट लगी, इन दोनों में जो लेटर होता है, अगर बिल ऑफ एंट्री बाद में फाइल हुई है इनवार्ड के बाद, तब जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई उस डेट की रेट ऑफ ड्यूटी लगती है। और यदि बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल हो गई है, इनवार्ड डेट बाद में लगी है, तो इनवार्ड डेट के बेसिस पे रेट ऑफ ड्यूटी लगती है। यहां क्वेश्चन कहता है कि बिल ऑफ एंट्री 20 तारीख को फाइल हो गई थी, इनवार डेट लगी 22 तारीख को, माल एक्चुअली में अराइव हुआ 22 तारीख को, रेट ऑफ ड्यूटी जो 22 तारीख को प्रिवेलेंट होगी 22nd of March को, वो चार्जेबल होगी। 22nd मार्च को जो ड्यूटी की रेट थी वो थी 12.5%। तो 12.5% कैलकुलेट कर दीजिए 5 लाख रुपीस पे, 62,500 योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सिमिलर वे में एक दूसरा क्वेश्चन है। देखिए बिल ऑफ एंट्री की जब बात होगी और रेट ऑफ ड्यूटी का क्वेश्चन होगा, दो चीजें देखनी होंगी, पहला कब बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई, दूसरा इनवार डेट कब लगी। दोनों में से जो लेटर होगा तो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पंजाब स्वीट्स एक्सपोर्टेड इट्स प्रोडक्ट्स वैल्यूइंग रुपीज 25 लाख ऑन 5th of May 2021। 5 मई 2021 को 25 लाख रुपए की स्वीट्स पंजाब स्वीट्स ने एक्सपोर्ट की। व्हेन द रेट ऑफ ड्यूटी वाज 8%, जब एक्सपोर्ट हुआ रेट ऑफ ड्यूटी 8% थी। द प्रॉपर ऑफिसर ग्रांटेड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑन 12th ऑफ मई 2021 व्हेन रेट वाज 10%। लेट एक्सपोर्ट जिस दिन दिया गया उस डेट को रेट ऑफ ड्यूटी क्या थी? 10% थी। द शिपिंग बिल वाज फाइल्ड ऑन 8th ऑफ मई 2021। शिपिंग बिल 8 मई 2021 को फाइल हुआ, उस समय रेट ऑफ ड्यूटी थी 12.5%। द एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज पेड ऑन 15th मई 2021। एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट हुआ 15 मई को बाय पंजाब स्वीट्स व्हेन द रेट ऑफ ड्यूटी वाज 12%। जिस दिन पेमेंट हुआ 12% ड्यूटी थी। देखिए इंपोर्ट के केस में मैंने आपको बताई दिया, एक्सपोर्ट के केस में जिस डेट को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास हुआ, जिस डेट को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर हुआ वो देखा जाता है। इस केस में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर किस डेट को पास हुआ? वो हुआ है 12th ऑफ मई 2021 को। तो 12th ऑफ मई 2021 को जो रेट ऑफ ड्यूटी थी when rate was 10% is your correct answer। 10% rate of duty उस पे चार्ज होगी, B is your correct answer। Coming to question number 16,
प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स शैल पास ए स्पीकिंग ऑर्डर इफ द इम्पोर्टर एक्सपोर्टर डज नॉट कंफर्म हिज एक्सेप्टेंस ऑन रीअसेसमेंट विद इन। देखिए सेक्शन 6 सेक्शन 17 का 5 ये कहता है कि अगर रीअसेसमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है तो 15 दिन में आपका अप्रेजर जो है वो स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल एज द केस में भी 1 महीने की बात करता है। बी कहता है 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट, ये 30 दिन की बात करता है। सी कहता है 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल एज द केस में भी सी जो है वो 15 days की बात करता है। एंड डी कहता है 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल एज द केस में। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है सी 15 days। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, इफ एनी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और कस्टम ब्रोकर कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ कस्टम्स फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशन और अवेट्स सच कॉन्ट्रावेंशन और फेल्स टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन He shall be liable to penalty which may extend to। देखिए customs finalization of provisional assessment ये regulations है 2018 के, और इसमें last regulation जो कहता है वो कहता है penalty लगेगी 50,000 rupees की। कितनी? 50,000 rupees की। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर 50,000 rupees। ऑप्शन ए इज 1 lakh rupees, बी इज 1,50,000 rupees, सी इज 50,000 rupees, डी इज 10,000 rupees। सो योर करेक्ट आंसर इज सी 50,000 rupees। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द प्रॉपर ऑफिसर में कैरी आउट ऑडिट। प्रॉपर ऑफिसर ऑडिट कहाँ कर सकता है? इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में कर सकता है। इन द प्रमाइसेस ऑफ द ऑडिटी, प्रमाइसेस ऑडिटी की प्रमाइसेस मतलब जिसका ऑडिट किया जा रहा है उसकी प्रमाइसेस, उसकी फैक्ट्री, उसके ऑफिस में भी कर सकता है। सी कहता है बोथ ए एंड बी अबव, एंड डी कहता है नन ऑफ द अबव। सी बोथ ए एंड बी अबव इज योर करेक्ट आंसर। कहीं भी कर सकता है, ऑफिस में भी कर सकता है, या अपने ऑफिस में, या उसके ऑफिस उसकी फैक्ट्री में भी कर सकता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, Presently, Inland Container Depot is a custom station duly। देखिए आईसीडी जो है वो अपॉइंट होती है, कौन अपॉइंट करता है? सीबीआईसी अपॉइंट करता है, और किस सेक्शन में अपॉइंट करता है? सेक्शन 7 ऑफ कस्टम सेक्ट में अपॉइंट करता है। ऑप्शंस देखते हैं, ए अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। देखिए इसका नाम चेंज हो गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स नहीं रह गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी लाइसेंस्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, इसमें दो गलतियां है, एक लाइसेंस नहीं दिया जाता, दूसरा एक्साइज एंड कस्टम्स बोर्ड का नाम अब नहीं है। सी है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, दिस इज योर करेक्ट आंसर। एंड डी कहता है लाइसेंस्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, डी लाइसेंस नहीं दिया जाता है, इसमें लाइसेंस वाली बात गलत है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी अपॉइंटेड by CBIC। Coming to question number 20, select the appropriate alternative from the following in relation to modes used for importation or exportation of goods। Import or exportation of goods kin kin tarikon se, kin kin modes se, modes of transportation se kiya ja sakta hai। Kehta hai goods can be imported exported by land air sea, लैंड एयर सी के थ्रू माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ऑल करेक्ट किया जा सकता है। सेकंड कहता है गुड्स कैन बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड थ्रू पोस्ट, पोस्ट के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। गुड्स कैन बी इंपोर्टेड बाय पैसेंजर एज देयर बैगेज, बैगेज में इंपोर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई कोई समस्या नहीं है। ship aircraft stores which are considered to be imported exported and charged to custom duty, yes it can be charged to custom duty। ship ka
एयरक्राफ्ट का स्टोर्स जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ही माना जाता है, बट उसपे अप टू अ सर्टेन लिमिट कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, उसका प्रेसमेंट भी नहीं किया जाता। एंड मोटर व्हीकल इंपोर्टेड एज बैगेज, यहाँ कैच है, बैगेज में मोटर व्हीकल अलाउड नहीं है तो उसको बैगेज में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा ऊपर के सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। ऑल ऑफ द अबव में फिफ्थ भी कवर होता है, ये गलत है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड अबव सारे सही है, सिर्फ 5 नंबर गलत है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर अबव करेक्ट आंसर इज सी, इसमें सिर्फ फिफ्थ नंबर को छोड़ के बाकी सभी शामिल है, इसलिए ये करेक्ट है। और इसमें फिफ्थ नंबर शामिल है इसलिए ये गलत है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर एक्स इज ए मास्टर ऑफ वेसल, द वेसल इज कमिंग टू इंडिया फ्रॉम चाइना, व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच मिस्टर एक्स नीड टू सबमिट द इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आईजीएम, कब फाइल हो जाना चाहिए। मिस्टर एक्स जो है मास्टर ऑफ वेसल है, ये कहता है एनी टाइम प्रायर टू द अराइवल ऑफ द वेसल। देखिए आईजीएम फाइल करने के लिए टाइम लिमिट कितनी मिली हुई है, तो बिफोर अराइवल कहता है सेक्शन 30, बिफोर अराइवल ऑफ द शिपमेंट। तो बिफोर अराइवल जो है आपका मैनिफेस्टेशन हो जाना चाहिए, सिर्फ ये बात करता है। ये कहता है ए ऑप्शन एनी टाइम प्रायर टू अराइवल ऑफ द वेसल, बी कहता है एनी टाइम आफ्टर द अराइवल ऑफ द वेसल विद 12 आवर्स आफ्टर इट्स अराइवल एंड ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव वाला रूल आउट हो गया है, ये गलत है। विद इन 12 आवर्स आफ्टर इट्स अराइवल ये भी गलत है। ये जो 12 आवर्स का प्रोविजन है वो सिर्फ व्हीकल्स के लिए है। एंड बी एनी टाइम आफ्टर द अराइवल, आफ्टर अराइवल नहीं प्रायर टू अराइवल आईजीएम फाइल हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, एनी टाइम प्रायर टू अराइवल ऑफ द वेसल। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स द कन्वर्जन फ्रॉम फॉरेन करेंसी टू इंडियन करेंसी शैल बी डन विद रेफरेंस टू द रेट ऑफ एक्सचेंज प्रिवेलेंट ऑन द डेट ऑफ, देखिए जिस डेट को बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है उस डेट का करेंसी कन्वर्जन का रेट लिया जाता है, फॉरेक्स जो है उस डेट का लिया जाता है। ऑप्शन इज फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 68, सेक्शन 68 जो है इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। सेक्शन 68 में जो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली सेक्शन 46 में जो बिल ऑफ एंट्री इंट्रू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई थी उसका रेट ऑफ एक्सचेंज उठा लेता है, तो ये अपवाद है, ये गलत है। बी फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46, अंडर सेक्शन 46 यस फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46 ये करेक्ट है, और फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउसिंग अंडर सेक्शन 46 ये भी करेक्ट है। फॉरेन एक्सचेंज चाहे बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए फाइल हो रही हो या वेयर हाउसिंग के लिए फाइल हो रही हो, रेट ऑफ एक्सचेंज उसी डेट का लिया जाएगा जिस डेट को बिल ऑफ एंट्री फाइल की जा रही है। तो योर आंसर इज डी, इधर बी और सी अबव, क्योंकि बी और सी दोनों ही आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन वैल्यू एज पर रूल 10 इंक्लूड्स, क्या है कि सीबीआर कस्टम डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2007 का रूल 10 एडजस्टमेंट्स की बात करता है। अब एडजस्टमेंट की बात यह करता है कि जो खर्चे आपने शिपमेंट के संबंध में किए हैं और जो शिपमेंट की वैल्यू में एडेड नहीं है आपने उसको
ऐड नहीं किया है आपकी इनवॉइस वैल्यू में, तो वो आपको जोड़ने पड़ेंगे, एडिशन करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट इन ट्रांजेक्शन वैल्यू एज पर रूल 10 इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें लिस्ट दी हुई है, क्या क्या इंक्लूड होता है। फ्री असिस्टेंस बाय द बायर इन फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर बायर जो है किसी तरह का भी फ्री असिस्टेंस देता है दैट इज इंक्लूडेबल। मोड्स एंड डाइज सप्लाइड बाय रिड्यूस्ड कॉस्ट बाय द बायर, तो मोड्स और डाइज अगर बायर सप्लाई करता है ये भी एड किया जाता है। बाइंग कमीशन पेड टू लोकल एजेंट, बाइंग कमीशन जो है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए ये गलत है। इंजीनियरिंग एंड डिजाइन वर्क अंडरटेकन इन इंडिया, ये इंक्लूड किया जाता है, ये करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड एज ए कंडीशन ऑफ सेल बाय द बायर ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, सेलर अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बियर करता है, देखिए फ्रेट कोई भी देगा, सेलर देगा, बायर देगा, आपकी इनवॉइस की वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा फ्रेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन पेमेंट करता है, तो ये भी करेक्ट है। अब इसमें जो इनकरेक्ट है वो है थर्ड, बाकी सारे करेक्ट हैं। ये देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर आपका जो है फोर्थ और फिफ्थ भी करेक्ट है, इसलिए ये आंसर गलत है। ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट फोर, फोर गलत था, थर्ड गलत था, ये आंसर गलत है। ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट थर्ड अबव, थर्ड के अलावा बाकी सभी, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि थर्ड बाइंग कमीशन जो है वो रूल 10 में इंक्लूड नहीं किया जाता है। एंड डी ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट थर्ड एंड फोर्थ अबव, फोर्थ भी सही है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैज बीन नोटिफाइड बाय द बोर्ड टू बी डिपॉजिटेड इन द लाइसेंस्ड स्पेशल वेयर हाउस। स्पेशल वेयर हाउसेस में कौन कौन से आइटम्स आपके डिपॉजिट किए जाते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है, उसकी एक लिस्ट दी हुई है। तो लिस्ट में जो चीजें फॉल करती हैं देखते हैं, गोल्ड सिल्वर एंड अदर प्रेसियस एंड सेमी प्रेसियस मेटल्स, ये सब के सब स्पेशल वेयर हाउस में डिपॉजिट किए जाते हैं। गुड्स टू बी सप्लाइड टू ड्यूटी फ्री शॉप्स इन कस्टम एरिया, ये भी स्पेशल वेयर हाउस का आइटम है, स्पेशल वेयर हाउस में जाता है। गुड्स टू बी सप्लाइड टू फॉरेन प्रिविलेज्ड पर्सन, फॉरेन प्रिविलेज पर्सन को जो माल सप्लाई होता है वो भी स्पेशल वेयर हाउस में जाता है। तो ये आइटम्स हैं सब के सब स्पेशल वेयर हाउस के आइटम हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव जो है तो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, मिस्टर ए डिपॉजिटेड हिज इंपोर्टेड गुड्स इन कस्टम वेयर हाउस बट फेल्ड टू क्लियर दोज गुड्स फ्रॉम द वेयर हाउस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वेयर हाउसिंग पीरियड। वेयर हाउसिंग पीरियड के खत्म होने से पहले, खत्म होने के बावजूद मिस्टर ए जिन्होंने अपना माल डिपॉजिट किया था वेयर हाउस में, उन्होंने माल क्लियर वेयर हाउस से नहीं करवाया। द रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल टू मिस्टर ए विल बी द रेट इनफोर्स ऑन दैट, उन पे किस रेट ऑफ ड्यूटी से किस डेट की रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी। प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, ये इनटू वन बिल ऑफ एंट्री की बात करता है तो ये वाली नहीं लगेगी। डीम्ड रिमूवल फॉर एग्जाम्पल द डेट ऑन विच द वेयर हाउसिंग पीरियड एक्सपायर्स, डीम्ड रिमूवल की डेट की रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी, ये करेक्ट है। सी कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, या एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा उस डेट की रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी, तो या इधर बी और सी एफ हब, या तो आपका जिस डेट को
डीम्ड रिमूवल माना जाएगा जिस डेट को आपका एक्सपायर हो गया उस डेट की रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी, या जिस डेट को आप उसके बाद एक्सपायरी के बाद भी माल आप कैसे निकालोगे, माल तो आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके ही निकालोगे, ये बात अलग है कि आप पे उसके बाद फाइन पेनल्टी लगेगी। तो इधर बी और सी, या तो आपसे वसूल की जाएगी ड्यूटी, तो जब वसूली होगी तो डीम्ड रिमूवल वाली डेट देखी जाएगी, और जब आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके निकालोगे तब आपका प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर्म कंजम्पशन वाली रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी, तो आपका दोनों में से कोई एक लगेगी। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है डी, इधर बी और सी अबव। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कस्टम एक्ट 1962 एक्सटेंड्स टू कस्टम एक्ट 1962 कहाँ कहाँ लागू होता है। ये कहता है होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ए कहता है, ये गलत बात है, पूरे इंडिया में लागू होता है। बी कहता है होल ऑफ इंडिया पूरा भारत। सी कहता है होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर सभी जगह लागू होता है। एंड डी कहता है होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो ऐसा नहीं है, कस्टम एक्ट सभी जगह लागू होता है, और भारत के बाहर, इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया भी अगर कोई ऑफेंस रिलेटिंग टू कस्टम एक्ट कमिट हुआ है तो उस पे भी लागू होता है। तो यो करेक्ट आंसर इज बी, होल ऑफ इंडिया कस्टम एक्ट जो है आपका होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962 द रूल मेकिंग पावर इज डेलीगेटेड टू। देखिए रूल्स जो बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, रेगुलेशंस जो बनाती है वो सीबीआईसी बनाती है। तो ये कहता है अंडर द कस्टम एक्ट 1962 द रूल मेकिंग पावर इज डेलीगेटेड टू, रूल्स जो बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो ए है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये रेगुलेशंस बनाती है या रूल की बात हो रही है। बी कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। सी इज रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, नो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो राइट विद रिगार्ड टू कस्टम्स ड्यूटीज, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। डी पार्टली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, नो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो ये सेंट्रल का आइटम है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे रूल्स बनाती है, बी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एज पर सेक्शन 2(3) ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 बैगेज इंक्लूड्स पी अनअकंपनीड बैगेज, क्यू मोटर व्हीकल्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द डेफिनेशन ऑफ बैगेज वो दी हुई है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 में, और वो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि बैगेज इंक्लूड्स अनअकंपनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल। अगर हम ये जो स्टेटमेंट है इसकी बात करें तो इसमें पी कहता है अनअकंपनीड बैगेज बैगेज में शामिल है, बिल्कुल है, करेक्ट बात है। क्यों कहता है मोटर व्हीकल्स भी शामिल है, तो ये गलत है, मोटर व्हीकल्स इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, क्यू ओनली, क्या क्यू ओनली करेक्ट है, मोटर व्हीकल्स शामिल है, नहीं गलत है ये बात। पी कहता है, बी कहता है बोथ पी एंड क्यू अनअकंपनीड बैगेज और मोटर व्हीकल्स दोनों ही शामिल है बैगेज में, ये भी गलत बात है, बैगेज में अनअकंपनीड बैगेज तो शामिल है पर मोटर व्हीकल शामिल नहीं है। सी कहता है पी बट नॉट क्यू, पी तो सही है पर क्यू उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये करेक्ट आंसर है आपका, क्योंकि बैगेज में अनअकंपनीड बैगेज शामिल है पर मोटर व्हीकल शामिल नहीं है। एंड डी कहता है नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव इसमें नहीं आंसर करेक्ट है, इसलिए योर करेक्ट आंसर इज सी, पी बट नॉट क्यू। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29,
एज पर सेक्शन 24 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 बिल ऑफ एंट्री मीन्स ए बिल ऑफ एंट्री रेफर टू इन बिल ऑफ एंट्री की डेफिनेशन से आया है क्वेश्चन। बिल ऑफ एंट्री से मतलब बिल ऑफ एंट्री जिसका रेफरेंस हमें मिलता है, तो बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग का रेफरेंस मिलता है हमें सेक्शन 46 में और डेफिनेशन भी यही कहती है। तो ए सेक्शन 45, बी सेक्शन 46, सी सेक्शन 47 एंड डी सेक्शन 48। योर करेक्ट आंसर इज बी सेक्शन 46। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, कोस्टल गुड्स मींस, कोस्टल गुड्स का मतलब क्या है? देखिए कोस्टल गुड्स क्या होती हैं, इंडिया के एक पोर्ट से इंडिया के दूसरे पोर्ट तक जो माल ट्रेवल करता है विद इन इंडिया बट ऑन द कोस्ट लाइन वो कोस्टल गुड्स कहलाता है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली में होता है ये, बट उसमें खतरा क्या होता है कस्टम डिपार्टमेंट को, कस्टम वालों को उससे क्या खतरा होता है कि ऐसा ना हो कि कोस्टल गुड्स की जगह यहाँ से कोस्टल गुड्स बता के ले जाए और एक्सपोर्ट कर दे, या कोस्टल गुड्स बता के इम्पोर्टेड माल अनलोड कर दे, क्योंकि कोस्टल गुड्स पे कोई पैसा चार्ज नहीं होता, कोई ड्यूटी चार्ज नहीं होती। तो दैट्स व्हाई कोस्टल गुड्स का मीनिंग यहां पूछा है। तो गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स के अलावा ट्रांसपोर्टेड इन ए वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इंपोर्टेड गुड्स के अलावा वेसल के थ्रू इंडिया के एक पोर्ट से इंडिया के दूसरे पोर्ट तक जो माल आता है या जाता है उसको हम कोस्टल गुड्स कहते हैं, यही डेफिनेशन कहती है इसकी, यही डेफिनेशन है। भी कहता है एनी गुड्स इंक्लूडिंग इंपोर्टेड गुड्स, इसमें इंक्लूड कर रहा है इंपोर्टेड गुड्स को, तो ये कोस्टल गुड्स नहीं हो सकता। सी कहता है गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन ए वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर प्लेस आउटसाइड इंडिया को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो वो माल एक्सपोर्ट माल कहलाएगा, वो माल कोस्टल गुड्स नहीं कहलाएगा, इसलिए ये इनकरेक्ट आंसर है। डी एनी गुड्स इंक्लूडिंग इंपोर्टेड गुड्स, इसमें इंक्लूड कर दिया इंपोर्टेड गुड्स, इसलिए ये इनकरेक्ट आंसर है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ बेसलाइन अप टू, ऑप्शन ए इज 200 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन बी इज 12 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन सी इज 24 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन डी इज 100 नॉटिकल माइल्स। योर करेक्ट आंसर इज 200 नॉटिकल माइल्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जोन तक कोई भी मरीन में जो भी आपका माइनिंग हो सकती है, जो भी आपके जितने भी फाइनेंशियल बेनिफिशियल चीजें होती हैं उस पे उस कंट्री का अधिकार होता है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसको माना जाता है 200 नॉटिकल माइल्स तक बेसलाइन से। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया आर नॉट सब्जेक्ट टू आईजीएसटी एंड नॉट सीबीडी और एसएडी। देखिए जीएसटी के संबंध में ये क्वेश्चन आया है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में ये देखना चाहिए कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, नॉट तो नहीं लगा हुआ कहीं। ऑप्शन ए कहता है द गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया आर नाउ सब्जेक्ट टू आईजीएसटी, जितना भी इंपोर्ट होगा आईजीएसटी लगेगा एंड नॉट सीबीडी और सैड। अब जितना भी इंपोर्ट होता है सब पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, IGST सब पे लगता है आप सभी को पता है, एंड नॉट सीबीडी और सेट। सीबीडी कुछ आइटम्स पे सीबीडी लगता है, सभी आइटम्स पे नहीं लगता, और सेड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो है अब नहीं लगती, अब ये खत्म हो गई है।
बी कहता है पेट्रोलियम इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी एंड हेंस सीबीडी एंड सैड आर एप्लीकेबल टू देम। पेट्रोलियम पे सीबीडी तो लगती है पर सैड नहीं लगता, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दूसरा, आईजीएसटी इज नाउ पेएबल ऑन एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी। आईजीएसटी जो है जितनी भी ड्यूटीज आपकी लगनी होती है एप्लीकेबल होती है उन सबके टोटल पे आईजीएसटी कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो आईजीएसटी इज नाउ पेएबल ऑन एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये करेक्ट है। एंड डी ऑल ऑफ द एबव। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन है। कैसे अजीब है मैं आपको समझाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये पूछता है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट। अब वो कहता है पहला स्टेटमेंट इसका है ये अपने आप में पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है। आईजीएसटी तो लगती है, सीबीडी कुछ आइटम्स पे लगती है, पर ये कहता है नॉट सीबीडी और सेड, ये इनकरेक्ट हो गया। अगर पार्शियली करेक्ट है तो वो इनकरेक्ट है। बट आगे देखते हैं, पेट्रोलियम इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, जीएसटी के स्कोप से बाहर है पेट्रोलियम, एंड सीबीडी एंड सेड आर एप्लीकेबल टू देम। अब पेट्रोलियम पे सेड नहीं लगता तो ये इनकरेक्ट हो गया। अगला, आईजीएसटी इज नाउ पेबल ऑन एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी। आईजीएसटी जो है वो एसेसेबल वैल्यू और बेसिक कस्टम ड्यूटी पे चार्ज होती है। तो ये जो है आपका ये बेसिकली ये थोड़ा सा करेक्ट है, एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एनी अदर ड्यूटी भी इसमें लिखा होना चाहिए था। जितनी भी ड्यूटीज होती हैं सब पे, जितनी भी ड्यूटीज एज ए ड्यूटी ऑफ कस्टम और एनी अदर ड्यूटी उन सब पे आईजीएसटी कैलकुलेट होती है। तो इसमें वो अदर ड्यूटीज वाला पार्ट मिसिंग है, बट स्टिल दिस इज पार्शियली करेक्ट, पार्शियली इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शंस दिस इज करेक्ट वन। सो योर करेक्ट आंसर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इज सी, आईजीएसटी इज नाउ पेएबल ऑन एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी, राइट। ऐसे ही लगता है, इसमें एसडब्ल्यूएस और जुड़ जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो मेरे हिसाब से है वो सी, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33, गुड्स में पेंडिंग क्लियरेंस और रिमूवल एज द केस में बी परमिटेड टू बी स्टोर्ड इन ए पब्लिक वेयर हाउस अंडर सेक्शन 49 फॉर ए पीरियड नॉट एक्सेडिंग 49 की परमिशन जो एक बार में मिलती है 30 डेज के लिए मिलती है, देन उसको कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के द्वारा फिर से 30 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ए इज 30 डेज, बी इज 45 डेज, सी इज 90 डेज, डी नन ऑफ द अबव। योर करेक्ट आंसर इज सी, ए सॉरी 30 डेज। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एंट्री इनवॉल्व ग्रांटेड बाय द कस्टम्स, जब कस्टम एंट्री इनवॉल्व ग्रांट कर देता है, एक्ट एज ए परमिशन फॉर अनलोडिंग ऑफ द गुड्स, अनलोडिंग की परमिशन माना जाता है, यस माना जाता है एंट्री इनवॉल्व को, इज द डेट दैट इज कंस्ट्रूड एज द रिलीवेंट डेट फॉर द अराइवल ऑफ द गुड्स इन इंडिया। एक्चुअल अराइवल जो है इंडिया में, डेट ऑफ इनवॉल्व एंट्री इनवॉल्व जब ग्रांट होती है जिस डेट को, उस डेट को ही एक्चुअल अराइवल माना जाता है माल का, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो सी इज बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर, यस दिस इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है, एंड डी ओनली ए बट नॉट बी दोनों ही करेक्ट है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं है डी, सी बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कस्टम एक्ट 1962 डील विद ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ट्रांसशिपमेंट की बात कौन सा सेक्शन करता है, तो वो सेक्शन करता है सेक्शन 54। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, ए सेक्शन 53, बी सेक्शन 54, सी सेक्शन 55, डी सेक्शन 56। करेक्ट आंसर इज सेक्शन 54। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी एज पर सेक्शन 74 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। सेक्शन 74 में मैक्सिमम रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक की जो होती है वो 98% होती है। ए इज 90%, बी 80%, सी 95%, डी 98%। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एज पर सेक्शन 112 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स के लिए क्या पेनल्टी है एज पर कस्टम एक्ट सेक्शन 112। सेक्शन 112 जो है वो बात करता है आपकी पेनल्टीज की, जब माल आपका कॉन्फिस्केबल हो जाता है तब उसपे पेनल्टी इम्पोज होती है। वो पेनल्टी जो इम्पोज होती है वो कितनी लग सकती है उसका क्वांटम बताता है सेक्शन 112। ऑप्शन ए कहता है वैल्यू ऑफ गुड्स और रुपीज 5000 विच एवर इज हायर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। प्रोहिबिटेड गुड्स के लिए सेक्शन 112 में जो है वैल्यू ऑफ गुड्स तक की पेनल्टी लग सकती है। वहीं अगर एक्सपोर्ट का केस है तो 3 times वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोहिबिटेड के केस में पेनल्टी लग सकती है। तो योर करेक्ट आंसर इज ए वैल्यू ऑफ गुड्स और रुपीज 5000 विच एवर इज हायर। एंड बी कहता है 10% ऑफ ड्यूटी सॉट टू बी एवेडेड और रुपीज 5000 विच एवर इज हायर, दिस इज नॉट करेक्ट। एंड सी वैल्यू ऑफ द गुड्स और रुपीज 10000, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज द प्रोविजन इज 5000 रुपीज। एंड डी 10% ऑफ द ड्यूटी सॉट टू बी एवेडेड और रुपीज 10000 विच एवर इज हायर। सो ऑप्शन ए value of goods or rupees 5000 whichever is higher is your correct answer. Coming to next question number 38, section 125 of the customs act 1962 provides that redemption fine shall not exceed, kitni limit hai, maximum limit kitni hai rf ki, redemption fine ki। सेक्शन 125 में दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस ड्यूटी पेबल, इतने तक रिडम्पशन फाइन हो सकता है। ए कहता है मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स कॉन्फिस्केटेड मार्केट प्राइस के बराबर, बी कहता है डिक्लेयर्ड वैल्यू लेस एक्चुअल प्राइस, नो। सी कहता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स, नो। एंड डी कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड कॉन्फिस्केटेड लेस इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स द ड्यूटी चार्जेबल there on। so this is your correct answer ke market price mein se duty ghata do less kar do utne tak ki penalty lagai ja sakti hai। coming to question number 39, offenses under the customs act 1962 could attract civil liabilities criminal liabilities। civil aur criminal dono tarah ki liabilities ki baat karta hai custom act, isliye सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। वन ओनली सिविल लायबिलिटीज अकेली लेता है, गलत है। बी कहता है इधर वन और टू, या तो सिविल लेगा या क्रिमिनल लेगा, ये भी पार्शियली करेक्ट है। बट इससे भी ज्यादा करेक्ट ये है सी टू ओनली, क्रिमिनल अकेली लायबिलिटीज होती है, ये भी गलत है। डी कहता है इधर वन और टू और बोथ सिविल भी हो सकता है क्रिमिनल भी हो सकता है या सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकता है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कि सिविल लायबिलिटीज भी हो सकती है क्रिमिनल भी हो सकती है कस्टम एक्ट में, और दोनों ही हो सकती है, सिविल भी हो सकती है और क्रिमिनल भी हो सकती है। वो कैसे सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकती है उसके बारे में आपको क्लास में बताया जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40, Under the Customs Act 1962,
द रिलीवेंट डेट फॉर डिटरमिनिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज, इंपोर्टेड गुड्स के लिए एक्सचेंज रेट किस डेट से डिसाइड होती है, तो ये कहता है डेट व्हेन द वेसल अराइव्स इन इंडिया, जिस डेट को वेसल आता है इंडिया में उस डेट का एक्सचेंज रेट लिया जाता है, गलत बात है। बी कहता है डेट ऑफ एक्सचेंज, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जिस डेट को बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हुई वो डेट ली जाएगी, यस वही डेट ली जाती है एज पर सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। सी कहता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स बाय प्रॉपर ऑफिसर, जिस डेट को एग्जामिनेशन किया प्रॉपर ऑफिसर ने वो डेट ली जाएगी, ये गलत है क्योंकि बिल ऑफ एंट्री जब फाइल होती है तब डिसाइड हो जाता है। डी डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ड्यूटी, जिस डेट को ड्यूटी डिपॉजिट कर रहे हो उस डेट का लिया जाएगा, नो इन सर्टेन केसेस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट द मेजर प्रोविजन इज डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी टेकन एज एन असेसेबल वैल्यू अंडर द कस्टम एक्ट 1962। देखिए इंपोर्ट के लिए जो असेसेबल वैल्यू होती है वो CIF वैल्यू होती है, और एक्सपोर्ट के लिए जो असेसेबल वैल्यू होती है वो FOB वैल्यू होती है। सो द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी टेकन एज एन असेसेबल वैल्यू अंडर द कस्टम एक्ट 1962। तो एसेसेबल वैल्यू जो होती है आपकी वो CIF वैल्यू होती है, आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो CIF वैल्यू होगा। हालांकि ये जो आपका क्वेश्चन है दैट इज नॉट ऑल क्लियर एंड दे शुड क्लियरली, दे शुड हैव क्लियरली रिटन कि वो इंपोर्ट की बात कर रहे हैं या एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। इस केस में हम इसका हिंदी वर्जन भी एक बार पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत एक निर्धारणीय मूल्य के रूप में लिया जाना है, FOB वैल्यू, CIF वैल्यू और लैंडेड वैल्यू और आयात वैल्यू, तो CIF वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्ट, यहां ये इंपोर्ट लिखना भूल गए हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42, Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कस्टम एरिया डज नॉट इंक्लूड ए वेयर हाउस, कस्टम एरिया में वेयर हाउस इंक्लूड नहीं होता, बिल्कुल होता है, कस्टम एरिया में वेयर हाउस इंक्लूड होता है। दूसरा, ए बेनिफिशियल ओनर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज ए पर्सन ऑन हूज बिहाफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड बट कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड। Coming to question number 42, which of the following statement is correct? First statement is custom area does not include a warehouse. Custom area में warehouse include नहीं होता, देखिए custom area में warehouse include होता है, इसलिए ये incorrect statement है। Second, a beneficial owner of the imported goods is a person on whose behalf the goods are being imported but cannot be exported. बेनिफिशियल ओनर का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इंपोर्ट के लिए है, ऐसा ही फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट कहता है, बट बेनिफिशियल ओनर का कंसेप्ट इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड दोनों गुड्स के लिए है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। कस्टम स्टेशन इंक्लूड्स एन इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल बट डज नॉट इंक्लूड द फॉरेन पोस्ट ऑफिस, देखिए कस्टम स्टेशन में फॉरेन पोस्ट ऑफिस, फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है कस्टम स्टेशन में इंक्लूडेड होता है,
दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. तो तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं. अब देखते हैं, बात करते हैं इसके ऑप्शंस की. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ऑप्शन फर्स्ट ये कहता है विच इज करेक्ट. ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट नहीं है. बी ऑप्शन सेकंड दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. सी थर्ड ऑप्शन थर्ड. ऑप्शन थर्ड भी इनकरेक्ट है. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज डी. नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. अंडर विच सेक्शन द ड्रॉबैक डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम वैल्यू एडिशन. देखिए वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है. वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट है इफ यू आर इंपोर्टिंग समथिंग यू नीड टू एड वैल्यू. यू नीड टू एड समथिंग इन इट्स वैल्यू. इट मीन्स 100 रुपीज का कोई आइटम है वो जितना मिनिमम फिक्स कर दिया है उतने वैल्यू एडिशन के साथ ही एक्सपोर्ट हो सकता है. अब वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें 100 रुपए का आइटम मान लीजिए 15% वैल्यू एडिशन के साथ एक्सपोर्ट होना चाहिए तब वो मिनिमम 115 रुपीज में एक्सपोर्ट होना चाहिए. ये जो कंसेप्ट है वो किस ड्रॉबैक में वैल्यू एडिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करता. किस सेक्शन के ड्रॉबैक में. ऑप्शंस देखते हैं. ए सेक्शन 73. सेक्शन 73 में ड्रॉबैक का कोई प्रोविजन नहीं है. सेक्शन 74. सेक्शन 74 में ड्रॉबैक का प्रोविजन है. रीएक्सपोर्टेशन की बात करता है. जब हम रीएक्सपोर्ट करते हैं किसी आइटम को तो उसमें वैल्यू एडिशन अंडर सेक्शन 74 कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड अगर हम बात करते हैं सेक्शन 75 ऑप्शन सी की. सेक्शन 75 में आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो देन मैन्युफैक्चरिंग या अदर ऑपरेशंस करते हो और उसके बाद आप एक्सपोर्ट करते हो. जब आप मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस करोगे तब आप उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करोगे. इसलिए your correct answer is section 74. B is your correct answer, section 74. Coming to next question number 44. The show cause notice under section 28 will not be served if the amount involved is. कहता है अगर section 28 में अगर कोई notice निकलना है तो नोटिस नहीं निकाला जाएगा. कब नहीं निकाला जाएगा. अगर अमाउंट लेस होगा. कितने से. लेस देन रुपीज 50. 50 रुपए से कम होगा. अप टू रुपीज 50. 50 रुपए तक होगा. लेस देन रुपीज 100. 100 रुपए से कम होगा. एंड अप टू रुपीज 100. 100 रुपए तक होगा. देखिए कोई भी डिमांड नोटिस तब तक नहीं निकल सकता जब तक 100 रुपए से ज्यादा का अमाउंट ना हो. इफ द अमाउंट इज लेस देन 100 रुपीज देन कोई शो कॉज नोटिस सर्व नहीं किया जाएगा. 100 रुपए तक कोई ड्यूटी भी सरकार आपसे नहीं लेती. इफ योर ड्यूटी इज गोज अप टू 100 रुपीज यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग. राइट. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. When the person who applies for refund is not the person who has borne the burden of the duty, the refund is paid into वो व्यक्ति. रिफंड के लिए अप्लाई करता है जिस व्यक्ति की पॉकेट पे ड्यूटी का बर्डन नहीं पड़ा है. उस केस में रिफंड कहा जाएगा. ऑप्शन ए कहता है फंड कॉल्ड एज इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. इन्वेस्टर का एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है उसमें जाएगा. सेकंड कहता है ए फंड कॉल्ड एज कंज्यूमर वेलफेयर फंड. एक फंड जिसका नाम है कंज्यूमर वेलफेयर फंड उसमें जाएगा. सी कहता है ए फंड कॉल्ड एज कंज्यूमर डेवलपमेंट फंड. कंज्यूमर डेवलपमेंट फंड में जाएगा. डी कहता है नन ऑफ द अबव. So your correct answer is B, a fund called as consumer welfare fund. Consumer welfare fund में वो पैसा जाता है अगर उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को refund मिलना है
उसकी पॉकेट पे उस ड्यूटी का बर्डन नहीं पड़ा है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ अपील्स आर प्रोवाइडेड अंडर कस्टम्स एक्ट। कस्टम एक्ट में अपील कितने स्टेजेस में, कितने चरणों में की जा सकती है। अब देखिए, कस्टम में जब अपील आप करते हो फाइल, तो पहली अपील जाती है आपकी कमिश्नर अपील के यहाँ, दूसरी अपील जाती है आपकी सी स्टेट में, तीसरी अपील जाती है आपकी हाई कोर्ट में, चौथी अपील जाती है आपकी सुप्रीम कोर्ट में। सो देयर आर फोर स्टेजेस वेयर यू कैन अपील अंडर प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, फोर स्टेजेस। दिस इज फोर स्टेजेस एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द क्वेश्चन ऑन विच द एडवांस रूलिंग इज सॉट कैन बी इन रेस्पेक्ट ऑफ। किस मामले में एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। फर्स्ट ए कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, बी कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी नोटिफिकेशन, सी कहता है प्रिंसिपल्स फॉर वैल्यू डिटर्मिनेशन एंड डी कहता है एनी ऑफ द अबव। ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें डी करेक्ट है। ये सारे ही केसेस में, ये तीनों जो केसेस हैं ऊपर, उन सभी में एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 48, द कस्टम्स ऑडिट इज गिवन इन। कस्टम्स का ऑडिट, ऑडिट के बारे में बात करता है कौन सा सेक्शन, सेक्शन 99A बात करता है कस्टम्स के ऑडिट के बारे में। ऑप्शंस आर सेक्शन 99A, सेक्शन 99B, सेक्शन 99C एंड डी सेक्शन 99D। सो योर करेक्ट आंसर इज ए, सेक्शन 99A। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 49 कहता है द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अल्टर द ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर is known as delegated legislation, interpreted legislation, overriding legislation and modified legislation। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जी कार्ड वालों के लेवल के हिसाब से थोड़ा टफ है, उनके सिलेबस के हिसाब से ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्या है कि जब भी आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, तब पार्लियामेंट ने, संसद ने अपने पावर्स डेलीगेट किए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब कैबिनेट को। तो जब संसद का सेशन, पार्लियामेंट्री सेशन जब ऑपरेशन में नहीं होता, तब भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कोई ड्यूटी स्ट्रक्चर को बढ़ा सकती है, घटा सकती है अंडर सेक्शन 8 and 8A ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। सो ये जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर है। सो योर करेक्ट आंसर इज ए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है द कमेटी ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स ऑफ कस्टम और चीफ कमिश्नर्स ऑफ कस्टम्स में ऑफ इट्स ओन मोशन कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन विच डॉट डॉट एज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज पास्ड एनी डिसीजन और ऑर्डर अंडर कस्टम्स एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ टू द लीगलिटी और प्रोप्राइटरी ऑफ एनी सच डिसीजन और ऑर्डर। देखिए क्या होता है कि एक हायरार्की बनी हुई है। अगर जॉइंट कमिश्नर कोई ऑर्डर पास करेगा तो प्रिंसिपल उसको रिव्यू, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर उसका रिव्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि लीगल है, प्रॉपर है, नहीं है। एसीडीसी कोई ऑर्डर पास करते हैं तो एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर उसके ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं कि लीगल है, प्रॉपर है या नहीं। प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर जो कि उस कमिश्नरेट का हेड होता है, वो जो ऑर्डर पास करेंगे एज एन
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उनके ऑर्डर्स को कौन कौन उसको चेक करेगा, तो उसके लिए एक कमेटी बना दी जाती है। किसकी कमेटी? चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स की। वो जो कमेटी है वो चेक करती है कि ये जो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है वो लीगल एंड प्रॉपर है या नहीं है। तो योर करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, ऑप्शन ए। अदर ऑप्शंस आर एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, नन ऑफ द अबव। योर करेक्ट आंसर इज ए, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम। सो दीज वर योर 50 क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much. Have a good day. Thank you.